और ये तो मीडिया के सामने स्वीकार कर चुके हैं कि यह उसके घर में मैगी बनाते थे, बर्तन मांजते थे। अब पहले बर्तन उर्तन बढ़िया से मांजना और धोना पहले सीख जाएं। नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। चंदन जी, आपके नेता पर आरोप लगा है, पशुपति पारस ने आरोप लगा है कि जान से मारने की, और कहा है कि उनके कहने पर ही हमला हुआ है। अब ऐसे में क्या जवाब आपके पास है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल निराधार आरोप है और हम लोग तो मांग करते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी उच्च स्तरीय जाँच करानी चाहिए। सुरक्षा में चूक है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शराब पिए हुए वहाँ पर लोग थे, तो देखिए बाबा चौहर मल का जो एक धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम होता है, हर एक साल होता है और दलित समाज के लिए वो पूजनीय हैं, तो उनके अनुयायियों को इस तरीके से मंत्री जी शराबी बता रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। इनके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपने इन शब्दों के लिए और तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रिंस राज ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को एनडीए के नेताओं से माफ़ी मांगने के पैर छू करके उनका राजनीति अब ख़त्म हो गया। क्या वास्तविकता में अगर कहें तो सवालिया निशान लगा दिया है कि चिराग पासवान के राजनीति पर खतरा मंडरा रहा है, क्या कहिएगा आप, उनके सिपाही हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से प्रिंस पासवान पर बहुत दाग हैं। एक लड़की ने मीडिया के माध्यम से ही हम लोग ने देखा कि अपने साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। माननीय कोर्ट के आदेश से FIR लिखी जाती है और ये तो मीडिया के सामने स्वीकार कर चुके हैं कि यह उसके घर में मैगी बनाते थे, बर्तन मांजते थे। अब पहले बर्तन उर्तन बढ़िया से मांजना और धोना पहले सीख जाएं। सांसद हैं, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और समाज में अपने चरित्र से एक संदेश देना चाहिए। बाकी राजनीतिक तो चिराग पासवान बहुत दूर के हैं, उनके प्रवक्ता से बात कर लें, सारा उनका जो है मोटिवेशन हम लोग कर देंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पशुपति पारस ने आरोप लगाया है बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है? देखिए, दलित समाज में उनकी जमीन खिसक चुकी है। बोचहां के उपचुनाव में वो वोट को ट्रांसफ़र नहीं करा पाए और दलित में इनकी स्वीकारता कहीं नहीं है। ये अपने आवास से बाहर कहीं नहीं जाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते हैं, अपने जनता के दुख सुख में नहीं जाते हैं, दलित समाज में कुछ घटना दुर्घटना हो जाए उसमें नहीं जाते हैं, तो दलित समाज इनको स्वीकार नहीं करता है। उसी की परिणति है कि यह आदरणीय चिराग पासवान जी पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं कि पूरा बिहार चिराग पासवान को अपना नेता मान चुका है, नौजवानों और बुज़ुर्गों के दिल में बसते हैं चिराग पासवान, हर एक समुदाय के, तो किसी ना किसी तरीके से उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा कर ये अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको खुश करना चाहते हैं। पशुपति पारस ने ये भी आरोप लगाया था कि उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ने मुझे पहले कहा था कि हम आपके कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते हैं अपनी मम्मी के सामने। यह निराधार बात है, मनगढ़ंत है और कहीं ना कहीं आदरणीय चिराग पासवान जी पे एक तरीके से ये पॉलिटिकल हमला है कि उनके इमेज को डेंट किया जाए, क्योंकि इस तरीके की कोई भी घटना, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि पशुपति कुमार पारस जी ने ही परिवार पार्टी को तोड़ा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर, तो एक मंत्री पद के लालच में उन्होंने अपने परिवार और पार्टी को तोड़ दिया, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे आरोप पशुपति कुमार पारस जी निरंतर लगाते हैं, उनके आरोप में कोई तथ्य और सच्चाई नहीं होती है। जब देखे कि जनता उनको कहीं ना कहीं धुतकार दी है तो अब किसी भी तरीके से चाहते हैं कि उसको वो कवर अप कर लें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह थे, जिन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर जवाब दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पशुपति पारस ने जो भी आरोप लगाए चिराग पासवान पर वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार आरोप हैं। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।